हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वांटम डॉट्स इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम डॉट्स का नैनो टेक्नोलॉजी में क्या काम है, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री के फील्ड में 2023 में, तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। एलेक्सी एल इकिमोव, ल्यूइस ई ब्रूस एंड मोंगी जी बविंडी हैव बिन अवॉर्डेड द 2023 नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो क्वांटम डॉट्स के लिए इन तीनों को दिस ट्रायो गॉट दी नोबेल प्राइज 2023। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज क्वांटम डॉट, है क्या, मतलब क्वांटम डॉट है क्या। अ क्वांटम डॉट इज अ रियली स्मॉल असेंबली ऑफ एटम्स, जस्ट अ फ्यू थाउजेंड्स, अराउंड अ फ्यू नैनोमीटर वाइड। अ क्वांटम इन इट्स नेम कम फ्रॉम द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम्स हैव वेरी लिटिल स्पेस टू मूव अराउंड, सो द क्रिस्टल एज अ होल डिस्प्ले द क्वर्की इफेक्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इफेक्ट्स दैट अदरवाइज वुड बी हार्ड टू सी विदाउट मोर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटम डॉट्स हैव ऑल्सो बीन कॉल्ड द आर्टिफिशियल एटम्स बिकॉज दिस डॉट्स एज अ होल बिहेव लाइक एन एटम इन सम सर्कमस्टांसेस। तो आप देखिए, ये बहुत छोटे एटम के असेंबली है जिसमें कुछ ही थाउजेंड्स ऑफ एटम्स हैं और काफ़ी नैनोमीटर, कुछ ही नैनोमीटर वाइड है। और ये किन्हीं सब सर्कमस्टांसेस में आप देखिए एटम की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको आर्टिफिशियल एटम भी बोला जाता है। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए बहुत कम जगह है, क्योंकि आप देखिए बहुत छोटे से स्पेस में है, जिस वजह से क्वर्की इफेक्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इसमें दिखता है। अब देखते हैं, व्हाई आर दे ऑफ इंटरेस्ट। अब देख तो लिया हमने क्या, इनका काम क्या है हमारे ऊपर, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाई आर दे इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग तो वही काम करते हैं जिसमें हमारा फायदा होता है ना। तो चलो देखते हैं। देर आर टू ब्रॉड टाइप ऑफ मटेरियल, एटॉमिक एंड बल्क। एटॉमिक ऑफ कोर्स रेफर टू इंडिविजुअल एटम एंड देर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, बल्क रेफर टू लार्ज असेंबलीज ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्वांटम डॉट्स लाई समवेयर इन बिटवीन एंड बिहेव इन अ वे दैट नीदर एटम और नॉर बल्क मटेरियल कैन डू। एक हो गया एटम, ढेर सारे हो गए आपके मॉलिक्यूल, और यहाँ पे बहुत ढेर सारे हो गए आपके मॉलिक्यूल। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक दो और मिला दो, और ये एक, तो ये हो गया आपका एटम, ये आप हो गया आपका क्वांटम डॉट, और ये हो गया आपका बल्क। तो ये इन दोनों के बीच में आप एक तरीके से देखिए इंटरमीडिएट का काम करेगा, 1 2 3। तो ये चीज बोला जा रहा है, वन पर्टिकुलर बिहेवियर डिस्टिंग्विशेस देम, द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम डॉट्स चेंज बेस्ड ऑन हाउ बिग इट इज, जस्ट बाय ट्रिकिंग इट्स साइज साइंटिस्ट कैन चेंज से द क्वांटम डॉट्स मेल्टिंग पॉइंट और हाउ रेडिडली इट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें आप देखिए इनका मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है उसके साइज के कंपेरिजन में। वेन लाइट इज शाइंड ऑन अ क्वांटम डॉट इट एब्जॉर्ब्स एंड देन री एमिट्स इट एज अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, स्मॉलर डॉट्स एमिट ब्लूअर लाइट एंड लार्जर डॉट्स रेडर लाइट। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, अगर स्मॉलर डॉट है तो ये ब्लू लाइट निकालेगा, अगर लार्जर डॉट है तो ये रेड लाइट निकालेगा। दिस हैपन बिकॉज लाइट शोन ऑन द डॉट एनर्जाइजेस सम इलेक्ट्रॉन टू जम्प फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू हायर वन। ये हम केमिस्ट्री में क्लास 12th में अगर किसी ने लिया हो केमिस्ट्री साइंस, तो वो तो तुरंत समझ जाएगा, एक लेवल एनर्जी लेवल से जंप करते हैं। बिफोर जंपिंग बैक डाउन द रिलीजिंग एंड रिलीजिंग द एनर्जी एट अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, सो क्वांटम डॉट्स कैन बी इजिली अडेप्टेड फॉर अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सर्जिकल, ऑनकोलॉजी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो इसमें आप देखिए इसका 1 2 3, इसमें इसकी एप्लीकेशन बता दिया गया है। What did the Nobel laureates do? For centuries, people have been creating colorless glass by tinting it with a small amount of some compound. How much of a compound or dupant is added, and how the glass is prepared, change which color the glass finally had. By the late 1970s, scientists had developed techniques to deposit very thin films on the surface, other surface, and observe quantum effects in the film. But they didn't have the material per se, an object wholly regained by quantum effect. In the early 1980s, Alexei Ekimov from the erstwhile Soviet Union and his colleagues changed this. They added different amount of copper chloride to a glass
before heating it to different temperature for different duration, tracking the dopant structure and properties. They found that the glass color changed depending on the size of the copper chloride nanocrystal, which depends on the preparation process. Just a second. A telltale sign that the crystal were quantum dots. In 1983, a group led by Lewis Bruce in US succeeded in making quantum dots in liquid rather than trapped within glass, as in Dr. Ekimov works. Both Dr. Bruce and Ekimov further studied quantum dots, working out the mathematical description of their behavior and how it related to their structure. But both of them lacked one thing: a simple way to make quantum dot with just right properties. Yeah, inke third bande ne banaya hai. A team led by Mongi Bhavindi at the Massachusetts Institute of Technology achieved this in 1993 with the hot injection method. A reagent is injected into a carefully chosen solvent with a higher boiling point until it is saturated and heated until the growth temperature. That is when the reagent's atoms clump together to form nanocrystal in the solution. Larger crystal formed at a solution heated for longer. So, मतलब जितने देर तक heat करोगे, larger crystal बनेगा. Their birth within liquid makes the surface smooth. Finally, crystal of the desired size can be filtered out. This method accelerates the adoption of quantum dots in variety of technologies. तो आप देखिए तीनों का यहाँ पे काम दिया है. What are quantum dots application? अब देखते हैं finally अब क्या है. हमने देख लिया कैसे बना, हमने ये देख लिया और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है देख लिया. अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है. एन एरे ऑफ क्वांटम डॉट्स कैन बी यूज्ड इन टीवी स्क्रीन बाय रिसीविंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड एमिटिंग लाइट टू डिफरेंट कलर्स. साइंटिस्ट कैन कंट्रोल द पाथ ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय प्लेसिंग सम क्वांटम डॉट्स इन द मिक्स ऑफ मेकिंग देम रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय शाइनिंग लाइट ऑन देम. इफ वन ऑफ द एनर्जी लेवल एंड इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन द क्वांटम डॉट एटम इन द कंडक्शन बैंड, द डॉट कैन ऑपरेट लाइक अ सेमीकंडक्टर. ऑल्सो सोलर सेल मेड विद क्वांटम डॉट आर एक्सपेक्टेड टू हैव thermodynamic efficiency as high as 66%. A quantum dot can also be highlighted a tumor can also be highlight a tumor that a surgeon needs to remove. Hastin chemical reaction that extract hydrogen from water and a multiplexer in telecommunication. तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एप्लीकेशन तो बहुत ही इसके वाइड एप्लीकेशन है. हमारे घर के टीवी से ले के आप देखिए यहाँ पे आप सोलर सेल हो गया, ठीक है, ये टीवी में सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर हो गया और टीवी का स्क्रीन हो गया. स्क्रीन से लेके सेमीकंडक्टर, सोलर सेल एफिशिएंसी. किस लिए एफिशिएंसी कहाँ पे कम होती है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा था थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी. तो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी और थर्ड आप देखिए कैंसर से लेके हाइड्रोजन सेल तक, हाइड्रोजन से वाटर निकालने तक हम लोग इसको यूज करेंगे. और फिफ्थ टेलीकम्युनिकेशन से. तो आप देखिए ये बहुत ही वाइड वाइड रेंज एप्लीकेशन है इसका, किसका, क्वांटम डॉट्स का. क्वांटम डॉट्स आप देखिए अगर हम लोग देखें क्वांटम डॉट्स तो सबसे पहले ये एक इंटरमीडिएटरी है एटम के बाद आएगा क्वांटम डॉट्स, फिर आएगा मॉलिक्यूल या बल्क इसको हम लोग बोल सकते हैं. ये तो ये बीच में एक इंटरमीडिएटरी है. ये एक हो गया, ये कुछ होंगे मतलब कुछ थाउजेंड्स होंगे और यहाँ पे फिर ये ढेर सारे मल्टीपल्स होंगे, इनका तो फिर काउंट नहीं है. तो आप देखिए ये किस लेवल पे हमें लेकर जा रहा है इंटरमीडिएट. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, चेंजेस कलर, ठीक है, कैसे, लार्ज इक्वल्स टू आप देखिए ब्लू और स्मॉल इक्वल्स टू रेड, जैसा हमने ऊपर में देखा. जस्ट अ सेकेंड एक बार चेक कर लूँ मैं. वन टू हायर लेवल बिफोर रिलीजिंग एनर्जी सो क्वांटम डॉट्स कैन बी, ठीक है, स्मॉलर डॉट एमिट ब्लू लाइट. चलिए देखिए मैं सही था, मुझको लग रहा था मैं गलत लिख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं इसको सही कर लेते हैं. स्मॉल जो है
वो आपका ब्लू के लिए है, लार्ज आपका रेड है, स्मॉल आपका ब्लू है। तो आप ऐसे याद रखिए, डेंजर हमेशा बड़ा होता है तो लार्ज रेड और स्मॉल ब्लू, डेंजर हमेशा बड़ा होता है तो वो लाल होगा, तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है। और इसमें क्या है, ये मैंने बता दिया, ये हो गया क्वांटम डॉट्स। आप देख लीजिए इसका डेफिनेशन क्या है, इसको आर्टिफिशियल एटम भी बोला जा सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियल एटम भी बोला जाता है। तो बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इनके एप्लीकेशन प्लस प्रॉपर्टीज प्लस इसका डेफिनेशन प्लस आर्टिफिशियल एटम इतना इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।